महाराष्ट्र में नई सरकार के 20% बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ने आंदोलन शुरू किया। उतरे सड़कों पर। यहाँ की जनता को यह तो पता था कि इन नेताओं की इस नौटंकी का और खरीद फरोख का पैसा जनता को ही चुकाना होगा, लेकिन इतना जल्दी देना होगा ये किसी को पता नहीं था। और सरकार ने आते ही 20% बिजली के दामों में वृद्धि कर दी। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ने सरकार की इस नीति और मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया और खुलकर इसका विरोध किया। जहां दिल्ली सरकार और पंजाब में 300 यूनिट आम लोगों को फ्री दिया जाता है, तो ये सरकारें वादा करके क्यों बदल रही है, ये इनका मुद्दा था, ये आम आदमी पार्टी का कहना था। इसी आंदोलन के मुद्दे पर मीरा भाईंदर में चल रहे प्रदर्शन में हमने वहां के अध्यक्ष सुखदेव बनमनसी से बात की। आइए जानते हैं सुखदेव जी क्या कहना है आपका। नेताओं को खरीदने में पैसा खर्चा हुआ है, वो बीजेपी सरकार लोगों के बिजली को बिल को बढ़ाकर वसूलना चाहती है, इसीलिए महाराष्ट्र में 20% बिजली को बढ़ा दिया गया है, जिसका निषेध हम आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर कर रही है। साथ में ही आप देख सकते हैं दिल्ली में जहां 200 यूनिट बिजली फ्री है, वहीं पे महाराष्ट्र सरकार जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की और शिवसेना की, तब उन्होंने कहा था कि हम महाराष्ट्र में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दिया। और आज के समय भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री है, तो जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था वो पूरा करें। और साथ ही बिजली का जो बिल बढ़ाया गया है हम उसका निषेध करते हैं, इसीलिए आज मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर निषेध करने के लिए उतरे। आइए बात करते हैं मीरा भाईंदर के सचिव ब्रजेश शर्मा जी से। ब्रजेश जी आप बताइए, ये जो आंदोलन आज किया गया उसके पीछे क्या रणनीति, क्या मकसद था? आज मीरा भाईंदर की टीम जो बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर सड़क पे उतरी हुई है, हमारा यही कहना है सरकार से, जो बिजली का बिल दाम बढ़ाया उन्होंने उसको वापस ले, और जैसे दिल्ली में और पंजाब सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, उसी आधार पर महाराष्ट्र सरकार भी यहाँ की जनता को मुफ्त बिजली कम से कम 200 यूनिट दे, यही हमारी मांग है। लीगल सेल के हेड एडवोकेट कुशवाहा का कहना है कि ये सीधे सीधे आम आदमी से लूट है। और स्मृति रानी गैस का 50 रुपया बटला बढ़ता था तो बटला दे के घूमती थी सर पे, आज वही बाटला 5 साल में 1050 रुपये का हो गया। बिजली का रेट भी लगभग डबल के बराबर कर दिए और करप्शन भी चरम सीमा पे है। ये बीजेपी जो सरकार है पूरा देश को बर्बाद करने पर चली हुई है। तो मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग मिल करके महाराष्ट्र में जो बिजली का बिल बढ़ाया गया है इसका अगर विरोध करेंगे तो उनको मजबूर होकर के बढ़ी हुई बिजली को वापस लेना पड़ेगा। अभी देश पूरा कोरोना काल से निकला हुआ है, सबकी कमर टूटी हुई है, आर्थिक इनकम नहीं है, लेकिन इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा तो शिंदे साहब को अपने साथ मिला करके 40 विधायकों को खरीद करके और सरकार बनाए हैं, वो जो पैसा इनका खर्च हुआ है वो पैसा को सुनने के लिए अदानी और अंबानी से मिल करके बिजली का बिल बढ़ा करके डायरेक्ट इनके अकाउंट में आने वाला है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक आप लोग सोए रहेंगे तो ये लोग ऐसे मनमानी करते रहेंगे, इसलिए आप ज़रूरत है आपको जगने की, जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक इनकी मनमानी रुकेगी नहीं। आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से 20% बिजली का बिल महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया है, तो क्या इससे आपके घर की जो पूरी आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी? सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी इलेक्ट्रिक और बिजली के मुद्दे पर लगातार अपने एजेंडे में शामिल करके देश में ये वादा करती रही है, और उन्होंने ये वादा दिल्ली और पंजाब में पूरा करके दिखाया। अब महाराष्ट्र में इस आंदोलन का क्या असर होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।